Welcome to online learning from Adarsh Mahavidyalaya 11th accounts. 11th accounts का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 जनरल रोजनामचर. यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यह चैप्टर अकाउंट्स की नींव माना जाता है. अगर आपको जनरल यह चैप्टर आता होगा तभी आप आगे के चैप्टर इजीली कर सकते हो. प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना और अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है. रोजनामचर फर्स्ट रोजनामचर चैप्टर की मीनिंग. रोजनामचर किसे कहते हैं? धंधे में कई सारे व्यवहार होते हैं, असंख्य व्यवहार होते हैं. क्या हम उन व्यवहार को सबको याद रख सकते हैं? रख सकते हैं नहीं तो क्या करते हैं? अलग से एक बुक रखी जाती है. धंधे में जो भी व्यवहार हो उसके लिए एक अलग से बुक रखी जाती है, चाहे वह व्यवहार उधार हो, नकद हो, संपत्ति से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के व्यवहार हो. जिस बुक में हम रखते हैं उसे रोजनामचा या जर्नल कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में है कि धंधे में जो भी व्यवहार होते हैं उसे सर्वप्रथम जिस बुक में लिखा जाता है उसे रोजनामचा कहते हैं, ठीक है. रोजनामचा के अंदर क्या करना है, किस तरह से रोजनामचा मेंटेन करते हैं, जो अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है पर्सनल रियल और नॉमिनल के बेस पर अकाउंट्स रखे जाते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, कोई भी व्यवहार होता है रोजनामचा में कौन से व्यवहार लिखे जाते हैं, जो धंधे के आर्थिक व्यवहार रहते हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है. गैर आर्थिक व्यवहारों का कोई भी इसमें प्रविष्टि नहीं की जाती. कोई भी अगर व्यवहार होता है धंधे में उसके मुख्य रूप से दो असर होते हैं, एक उधार और जमा. वह इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है. यह बेसिकली कंसेप्ट आपको सबसे पहले तो पर्सनल रियल और नॉमिनल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. कौन सा खाता किसके अंडर आता है वो भी क्लियर होना चाहिए. जैसे सैलरी अकाउंट है किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट है किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में. बिल्डिंग अकाउंट किसमें आता है, रियल अकाउंट. तो ये जो आइटम्स हैं कौन से खाते के अंदर आते हैं वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है. रोजनामचा की मीनिंग मैंने आपको बता दी. अभी रोजनामचा के अंदर क्या है, रोजनामचा की लाक्षणिकता क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे. फर्स्ट है इसकी लाक्षणिकता, मूलभूत बुद्धि. रोजनामचा की यह कौन सी बही मानी जाती है, मूलभूत बही. धंधे के अंदर जो भी व्यवहार होते हैं सर्वप्रथम रोजनामचा में लिखे जाते हैं, चाहे वह उधार हो या नकद में, संपत्ति के व्यवहार हो या मालिक के जो भी पर्सनल व्यवहार हो, यानी क्या धंधे से माल वगैरह लेके जाता है, कोई भी व्यवहार होते हैं जो सर्वप्रथम जिस बुक में लिखा जाता है उसे रोजनामचा कहते हैं, ठीक है. इस कारण इसे कौन सी बही कहा जाता है, मूलभूत बही, ठीक है. क्यों मूलभूत बही कहते हैं, क्योंकि सबसे धंधे के अंदर जो भी व्यवहार हो सर्वप्रथम इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है. इसके बाद सेकंड है दोहरी असर, ड्यूल इफेक्ट. मैंने आपको पहले भी समझाया था कोई भी धंधे के अंदर जो व्यवहार होता है उसके ड्यूल इफेक्ट होते हैं, दो असर होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है. जब हम जनरेटरी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें दो या दो से ज्यादा खाते इफेक्ट करते हैं. जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रुपए 10,000 सैलरी गिर चुका है, वेतन गिर चुका है, ठीक. उसी क्या इंटरेस्ट होगी, इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, मैंने आपको पहले सिखाया था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है. ये दो इसके अंदर ऐसे अलग अलग इफेक्ट जाते हैं. इसके बाद है थर्ड नंबर रकम के दो खाने, टू कॉलम ऑफ अमाउंट. कोई भी व्यवहार होता है उसमें मैंने आपको बताया दो बातें इफेक्ट करते हैं, उधार और एक जमा, डेबिट और क्रेडिट. इसलिए इसमें भी क्या किया जाता है, रकम के दो खाते, डेबिट और क्रेडिट, उधार और जमा. जितनी रकम उधार होगी उतनी ही जमा होगी, जितनी रकम जमा होती है उतनी ही इसमें उधार होगी, ठीक है. इसके बाद है फोर्थ नंबर तारीख के क्रम, यानी देखिए अंदर क्या होता है, बिजनेस चल रहा है उसके अंदर हर एक तारीख के दिन कुछ न कुछ व्यवहार होते हैं. तो व्यवहार क्या, हम लोग ऐसे लिख देंगे बिना तारीख के अकॉर्डिंग, आज एक तारीख को जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार को
और 10 तारीख को हुआ तो पहले कौन सा लिखेंगे? एक तारीख वाला, 10 तारीख वाला बाद में लिखेंगे। इसलिए जिस तारीख के दिन जो व्यवहार हुआ है उस क्रम के अकॉर्डिंग इसमें लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तारीख को हुआ तो उसमें एक तारीख के दिन ही उसमें व्यवहार लिखा जाएगा, दो को हुआ तो दो तारीख के दिन ही उसके अंदर व्यवहार लिखेगा, यानी तारीख के अकॉर्डिंग उसमें व्यवहार लिखे। फिफ्थ नंबर है विवरण, विवरण यानी नरेश। धंधे के अंदर कई सारे व्यवहार होते हैं, कई बार उसकी एंट्री करने के बाद हमको याद होता है कि यह व्यवहार किसका है, छह महीने एक साल के बाद हम जब खोल के देखेंगे तो हमको थोड़ी ना मालूम होगा कि यह व्यवहार यह जो एंट्री है किस चीज की। तो क्या किया जाता है, जब एंट्री पास आउट हो जाती है, एंट्री हो जाती है उसके बाद उसके नीचे ऐसा ब्रैकेट में उसका विवरण लिखा जाता है कि यह व्यवहार किसका है, माल खरीदी का है, माल विक्रय का है, यानी पूरा का पूरा जो है थोड़ा सा समरी बनाकर सारांश बनाकर नीचे लिख दिया जाता है। उसे विवरण को ब्यौरा भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। हर एक एंट्री के नीचे ब्यौरा होना जरूरी है, इवन बिजनेस जो प्रैक्टिकली जो बिजनेस करता है उसको भी लिखना जरूरी है, और तो और जब हम एग्जाम में सम्स वगैरह करेंगे तो उनको भी नरेशन लिखना जरूरी होती है। जब नहीं लिखी होगी तो उस सम के अंदर मेंशन किया होगा, तो प्लीज आप उसको केयरफुली पढ़ के उसमें नरेशन लिखनी है या नहीं लिखनी है वो देख लेना, ठीक है। ये लाक्षणिकता होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्नल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है घोषणा के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल और इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल के क्या क्या महत्व है, जिस तरह से इसकी लाक्षणिकता थी, जर्नल बनाते कुछ ना कुछ तो महत्व तो होगा ना, क्यों ऐसे ही बना देते नहीं, कुछ उसके इंपॉर्टेंस है उसको ध्यान में रखकर जर्नल बनाया जाता है। फर्स्ट, सभी हिसाबी व्यवहार जो भी धंधे के अंदर जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को सबसे पहले जर्नल मिलता है। सभी व्यवहार, चाहे वह संपत्ति से रिलेटेड हो, चाहे मालिक से रिलेटेड हो, मालिक से रिलेटेड समझ गए ना, धंधे में कुछ माल वगैरह लेके जाए या बैंक वगैरह से लोन ले, परचेस के रिलेटेड हो, सेल्स के रिलेटेड हो, या कोई इनकम हो, या कोई एक्सपेंस पे करे, तो सभी तरह के व्यवहार इस बही में लिखे जाते हैं। किस कौन सी बही में, रोजनाम चाल में, ठीक है। इसके बाद विगतवार माहिती, यानी जो भी माहिती लिखी गई, जो भी एंट्री की गई विगत हो उसकी हमको माहिती मिल जाती है, यानी हम जब उसको पढ़ेंगे, आज 17 तारीख है, 17 तारीख के दिन हमने लिख दिया व्यवहार, पर हम एक साल के बाद उस व्यवहार को पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा नहीं उसके अंदर क्या कहते हैं, जो एंट्री पास आउट की गई, जो एंट्री की गई उसको उसके नीचे नरेशन लिखी जाती है, जिससे हम लोग समझ जाएंगे यह व्यवहार किस चीज का व्यवहार है, किसमें कौन लेता है, कौन देता है, किसको रकम देनी है, किसको लेनी है। इसलिए इसमें विगत बार माहिती होती है, यानी पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें होती है। थर्ड नंबर है भविष्य के लिए उपयोगी, इन फ्यूचर जो माहिती बनाई गई है फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कैसे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट कैसे होगी, कुछ भी हम लोग बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सटेंशन करना है, एक्सपांशन करना है, जो धंधा है उसको बढ़ाना है, तो उनको मालूम पड़ेगा कि किस चीज के लिए हमने तमाम कितने खर्चे किए हैं, अरे पास्ट में हमने किस चीज पे कितना खर्चा किया था, वो हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और तो और भविष्य के लिए क्योंकि और भी अदर तरीके से हो सकती है, जैसे कि नए नए प्लान बनाने हो, या जिस चीज में खर्चे कम करने हैं उसके लिए भी हम लोग यह ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है खतौनी के लिए, खतौनी में सरलता, इजी फॉर लेजर कॉस्टिंग। जब हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो हम एंट्रियां होती है, जो
जो व्यवहार होते हैं क्या हम लोग डायरेक्टली उसमें से माना जाएगा कि कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी जान सकेंगे? बड़े नहीं, वह कहाँ से जानते हैं? लेजर पोस्टिंग से। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजर पोस्टिंग किसे कहते हैं। इसके बाद खतौनी में सरलता कैसे रहती है? अगर हमारे जर्नल एंट्री पास की होगी, जर्नल में हमने एंट्री की होगी, तो उसके थ्रू हम क्या डायरेक्टली उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी खाते की शेष बैलेंस क्या है जान सकते हैं। खतौनी करने में हमको बहुत ही सरलता रहती है, ठीक है। इसके बाद व्यवस्थित देखा, व्यवस्थित देखा यानी सिस्टमेटिकली लेखा, यानी जो भी व्यवहार हुए हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हमको ट्रांजेक्शन वगैरह की है, सिस्टमेटिकली होते हैं। कैसे सिस्टमेटिकली होते हैं? अकॉर्डिंग टू डेट वाइज, एक तारीख को जो व्यवहार हुआ वह एक तारीख को ही लिखा जाता है, दो तारीख वाला दो तारीख में ही लिखा जाता है। तो सिर्फ हमको डेट वगैरह ध्यान में रखी जाती है, वह व्यवहार किस दिन हुआ है, किससे हुआ है, उसकी जानकारी व्यवस्थित रूप से हमको मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मूल रणनीति, इसमें क्या होता है, धंधे के अंदर कई बार हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहारों को क्या लिखना रह जाता है, कई बार कई सारी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो हम मिस्टेक को दूर करने के लिए क्या करते हैं, व्यवहारों को लिखते हैं। कई बार व्यवहार जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं, और कई बार क्या होता है, जर्नल एंट्री में भी हमको भूल हो जाती है, तो उस भूल को भी जर्नल के थ्रू हम लोग इजीली सुधार सकते हैं और उसकी पोस्टिंग, उसके इफेक्ट हैं लेजर पोस्टिंग में दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको आया समझ में? हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया, जर्नल का मीनिंग, रोजनामचा किसे कहते हैं, रोजनामचा के लक्षण और रोजनामचा के महत्व, तीन चीजें। चौथा जो है पेज नंबर 58 पर रोजनामचा का नमूना जो स्पेसिमेन बनता है उसका स्पष्टीकरण, मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं इसका जो स्पेसिमेन किस तरह से बनता है, बिल्कुल इजी है। इसका जो नमूना है इसमें पांच कॉलम बनते हैं, जर्नल के पांच कॉलम, जर्नल एंट्री के कितने कॉलम बनते हैं, पांच। वॉइस अकॉर्डिंग इस अनुसार है, जैसे कि मेन रूप से पांच कॉलम इसमें जनरल में बनते हैं, फर्स्ट कॉलम जो बनता है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम है एलएफ यानी मेजर कॉलम, और फोर्थ नंबर है इसके अंदर डेबिट अमाउंट और फिफ्थ नंबर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जब हम इसका जो कॉलम वगैरह बनते हैं तो इसके ऊपर लिखा जाता है जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ सो एंड सो, इसका नाम है, इसका बुक्स बना रहे हैं उसका नाम इसमें लिखा जाता है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पर्टिकुलर का, थर्ड एलएफ का, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जैसे देख लेंगे डेट, डेट के दिन कौन सी डेट इसमें लिखी जाती है, कौन सी तारीख लिखी जाती है, जिस तारीख के दिन हमारा धंधे
व्यक्ति का व्यवहार हुआ हो, आर्थिक व्यवहार हुआ हो, उसकी डेट इसमें लिखी जाती है। सेकंड पर्टिकुलर्स यानी विवरण, जो खातों की इसमें इफेक्ट होती है उन खातों का नाम इसमें लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश को 10,000 का माल बेचा, इसमें कौन कौन से खाते इफेक्ट कर रहे हैं, एक सुरेश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये खाते यहां पर आएंगे। डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।